कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो देश का मार्गदर्शन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए किया, उस मार्गदर्शन के कारण भारत दुनिया के अंदर बेहतर स्थिति में है और कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में भारत सफल हो चुका है और उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल हुआ है। ये हमारे लिए एक अवसर है। ये वैक्सीन कोरोना महामारी से सुरक्षा का एक बेहतर कवच है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वह अन्य लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की है और पहली बार भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार की प्रतिबद्धता हर एक नागरिक के जीवन को बचाने की है और उसी क्रम में 75 करोड़ लोगों को आज वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराना यह कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने की वह एक कड़ी है जिसने दुनिया के सामने अपनी मिसाल प्रस्तुत की है, क्योंकि दुनिया के किसी देश ने इतने वैक्सीन नहीं दिए और जितना भारत एक दिन में वैक्सीन लगा रहा है।